आज आपके लिए मैं बता रहा हूँ यूज ऑफ सो दैट इन प्लेस ऑफ टू टू, यानी टू टू के स्थान पर हम सो दैट का इस्तेमाल कैसे करें। ये 10th और 12th में ये अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के लिए, तो आप देख लीजिए बहुत ही सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इस टू को हटाएंगे तो आप सो लिखेंगे, और इस वाली टू को हटाएंगे तो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट आपको जोड़ना है। इतना यदि आपने काम कर लिया तो ये आपका एक नंबर पक्का। कैसे करेंगे, और ये सजीव, जब सजीव हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज में अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए टू फैट टू रन फास्ट। अब आप इस वाक्य को देखेंगे जरा ध्यान से, तो क्या करना है, आप इस टू को हटा करके ये सो लिखेंगे, और इस टू को हटा करके ये वाला जोड़ देंगे। पहले क्या करना है, दैट प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ होता है, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में होता है, बाकी के शुरू में सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट है आपका। ये क्या लगाएंगे, ही, और उसके बाद क्या लगाना है, कैन नॉट। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये टू को हटा करके हमने सो लिखा, ये टू हटा कर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लिखा। अब जो बाकी है उसको सेम टू सेम ज्यों का त्यों उतार दें, उसमें कोई बदलाव नहीं करना। कैसे, ये ही आपका जैन की तई एज, ये फैट, और उसके बाद ये टू हटा के क्या बचा था, रन फास्ट, तो ये उतार दीजिए रन फास्ट। तो ये आपका प्रयोग हो गया क्या, यूज ऑफ सो दैट इन प्लेस ऑफ टू टू। और एग्जाम्पल आपके लिए बता रहा हूं, सी इज टू पुअर टू पे हर फी। अब ये आपके लिए वाक्य दिया गया है तो इसको हल सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका आंसर बनाए, सी इज, इस टू को हटा कर रख के आप क्या लिखेंगे, सो, तो ये लिखा हमने सो, ये आपका पुअर। आज ये वाला टू हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। तो देखिए ये हमने लिखा दैट, सब्जेक्ट कहाँ होता है, सबसे शुरू में, क्या है सबसे शुरू में, सी, तो ये लिखा हमने सी, फिर क्या उतारना है आपके लिए, कैन नॉट, तो ये कैन नॉट। तो इस टू को हटा करके दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट जोड़ने के बाद उसके बाद क्या बचा, पे हर फी, तो ये आप लास्ट में उतार दें, पे हर फी। तो देखिए कितना सरल था। तो इस प्रकार से ये आप सो दैट का प्रयोग टू टू के स्थान पर कर सकते हैं। थैंक यू।